गेम की संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि लोग दरख्तों पे बैठ के खड़े होके गेम से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वॉलीबॉल का मैच। चलो जी फिर आज की वीडियो का आगाज़ करने हैं। ये इलाका बुढ़े का चक है जहाँ पे मुझे और मेरे मामू को इनवाइट किया गया था। हर साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेमों का मुकाबला होता रहता है। तमाशाइयों के लिए यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब मैं आपको सारे स्टॉल दिखाता हूँ, जैसे कि पीछे गन्ने का स्टॉल था और ये कुल्फियों का है और ये माल्टों का है। सीधी जी गल है, जिन्हों भुख लगती हुए वो इतने खा सकता है अपने पसंद की कोई भी चीज़। ये चिप्स हैं अगर आप खाना चाहें तो। लो जी अब आ गया है अनार का और माल्टे का जूस। जैसा कि आप जानते हैं देसी माहौल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भी देसी पाई जाती हैं। ये एक अंकल ने चने चाट का स्टॉल लगाया हुआ है। चलें अब खेल स्टार्ट होने ही वाला है, हम मैदान की तरफ पलटते हैं। दोनों टीमें तशरीफ ला चुकी हैं, अब मैच शुरू हो गया है जी।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने मैच को खूब एंजॉय किया होगा। जल्दी कोई अच्छी सी वीडियो लेके मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके सामने लाल रंग का बटन और घंटी का निशान होगा जो आपने दबाना कभी नहीं भूलना। एनजी ते तड़े भाई ने ग्रो करना है। चलें जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।